राष्ट्रीय स्तर पर देश भर के शहरों में होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में जयपुर से आए राजेश मालामार की टीम ने झज्जर पहुंची और पालिका अधिकारियों को कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में शहर में स्वच्छता के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लिया और कागजों की भी जाँच की। उन्होंने बताया कि स्वच्छता के संबंध में पालिका द्वारा किया गया कार्य, इसके लिए जनता से फीडबैक लेने के लिए एक टीम झज्जर की ओर आएगी, जो आम जन से बातचीत कर और स्वच्छता के लिए किए गए प्रबंधों को भी जायजा लेगी। इस संबंध में पालिका सचिव नरेंद्र सैनी ने बताया कि स्वच्छता रैगिंग के लिए सेंटर से आई टीम ने मीटिंग ली है। मीटिंग में सफाई व्यवस्था को क्या प्रबंध किए गए हैं उससे जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए पालिका पूरा प्रयास कर लोगों को जागरूक करने के लिए भी डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि स्वच्छता रैंकिंग में झज्जर शहर को अच्छे अंक मिलेंगे। झज्जर शहर के लिए जो स्वच्छता रैंकिंग होनी है, उसके लिए अभी सेंटर से एक पर्सन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं जी। और अभी ऑफिस में आके उन्होंने फर्स्ट ओपनिंग मीटिंग कर ली है जी। और अब डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, जो फर्स्ट असेसमेंट 2 दिन डॉक्यूमेंटेशन की ऑथेंटिकेशन जो उनको रिकॉर्ड चाहिएगी तो वो एसेस करेंगे डॉक्यूमेंटेशन बेस। उसके बाद 2 दिन शहर में फीडबैक का कार्य किया जाएगा।